अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग पैकिंग किस लिए की है और हम कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चार बॉयज़ और हैं और हम एक टूर करने लगे हैं और बहुत अच्छा टूर होने वाला है। तो वो तो आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में पता चल जाएगा कौन कौन सा आता मेरे और किस किस ने जाना है मेरे। सबसे पहले तो क्या कहते हैं पैकिंग करनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है जो चीज़ें चाहिए थी। उसके अलावा क्या कहते हैं अभी मैंने रेडी होना है। उससे बात ये है कि मैंने खत करवा ली है, बाल मैंने करवाए नहीं है, मैंने कहा कटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इतने के बाल ठीक हैं। अच्छा यार, ये हमारी टंकी जो गाड़ी की डली है वो 41 लीटर डली है, तो उम्मीद है कि हमारी जो है ना ये पहुँच जाएंगे इतने में। हाँ जी कर दो, पहुँच जाएंगे इतने में। तो बाकी अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि एक सीक्रेट है कहाँ पे हम टूर करने लगे हैं। टूर हमारा स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा कहाँ हम जा रहे हैं। हमारे पहला जो स्टे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और यार हम कलर कार पहुँच चुके हैं, सफ़र हमने काफ़ी तय कर लिया है। हम 1:30 बजे चले थे रात के, तो फिर मैंने कहा रास्ता आपको क्या दिखाऊँ, अंधेरा ही था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो अब यह है सीन के तकरीबन हमारा 130 या 120 किलोमीटर इस्लामाबाद रह गया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टे होगा ना वो उम्मीद है कि हम शोगरान जाएं और आगे कहाँ हमने जाना है टूवर्ड्स आगे, हमने हमारा लास्ट स्टे कहाँ पे होगा, या स्कर्दू होगा या हुंजा होगा, ये आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। पहले इस व्लॉग को इन्जॉय करें, आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊँगा, अच्छी अच्छी जगह पर हम जाएँगे इंशाल्लाह। हम पहले ना दरअसल 2 दफ़ा जा चुके हैं लेकिन हमने कवर नहीं किया हुआ, लेकिन जो जो चीज़ें कवर नहीं की वो इस दफ़ा हम करेंगे। तो लेके चलते हैं अब आपको, हम जाते हैं और आगे तकरीबन मैं अब व्लॉग नहीं करूँगा, व्लॉग में आप जाके शोगरान पे या जहाँ पे भी अब रोशनी आएगी वहाँ पे। अच्छा यार, अभी हम पहुँचे हैं पेशावर मोटरवे पे हैं और अब तकरीबन थोड़ा सा ही फासला रह गया था, कोई 10 किलोमीटर क्या कहते हैं हज़ारा मोटरवे पे, और उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं बालाकोट की तरफ जाना था। अब ये रश तकरीबन कोई हमें कोई 5 से 6 किलोमीटर पहले मिला और अब आके ना गाड़ी तकरीबन आधे घंटे से रुकी हुई है। जा पूछ क्या ये वजह क्या है? ये सिर्फ इमरान खान का जलसा जो है काने पे लाहौर के पास, तो उसकी वजह से इन्होंने पेशावर मोटरवे ना इधर बंद कर दिया था कि लोग उधर से आए ना। जलालत हमारी हो रही है, क्या कहोगे भाई? बस क्या करें, हमने एक बंदा भेजा हुआ है आगे, देखो कि वो क्या करता है, रोड खोलता है या नहीं खोलता। ये 3 बंदे यहाँ बाजार हो गए, एक बंदा हमारा नहीं है, एक बंदा पीछे फोत होया हुआ है। वो दिखाएं सीम साहब उसको जरा, ये चेक करें इसको, ये सोया हुआ है। बाकी एक बंदा जो मेन बंदा है वो तो आगे हमारे चला गया, जरा इन्फॉर्मेशन लेने गया है, वो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ का, जलवा है हमारा। अच्छा मैं अब जो अपने बॉय साथ आए थे उनकी सूरत हाल जरा देखते हैं क्या रही है पूरे टूर में, अब जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ जी भाई, भाई देखो आज तो जलसा था 21 सितंबर है और बड़ी मुश्किल से हम रात के फंसे हुए इधर तक पहुँचे, नहीं तो अभी तक हमने ना रात में होना था। शाह साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं फिलहाल यार कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, बस इंजॉय कर रहा हूँ मौसम, सुबह सुबह का मौसम का फिर अपना ही मज़ा होता है, तो बस वही देखते हुए हम सफ़र कर रहे हैं। यार ये शीशा हमें ना सबसे पहले जो है ना फ्रंट मिरर ये साफ़ करवाना पड़ना है ताकि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आए और सीनरी जो है ना वो बेहतरीन आए। अभी हम चलते हैं अपने मिशन पर जो हमारा क्या कहते हैं आखिरी स्टॉप है आज के दिन का, और फिर देखते हैं क्या करना है। रहीम साहब अभी तक गाड़ी चला रहे हैं और चलाई जा रहे हैं रात के चलानी शुरू की है भाई, ये रुकना नहीं है भाई ने रात की शुरू की हुई यार, इनका कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे गाड़ी रोकने का। ये कह रहे हैं आज बस मैं आज अन्नी डाल दूंगा, आज अन्नी डाल देनी है भाई। और ये भी अन्नी डाल रहे हैं पीछे ना, ये देखिए पीछे लोगों को देखो यार, ये देखिए जरा ये कैसे लाशें पड़ी हुई हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं 2 दिन से नहीं सोया और इन लोगों को देख लो, ये 2 रातों से सोए जा रहे हैं। अच्छा यार हम नरान पहुंच चुके हैं और ये टाइम हो चुका है तकरीबन 12 का, हमने कहा चलो नरान स्टे करते हैं। अच्छा मैं आपको रूम का टूर दे दूं ज़रा, तो बाकी फिर हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे ज़रा,
क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई है, 12 से तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए, सांस चढ़ गया क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं काफ़ी देर हो गई है पिया। तो मैं आपको पहले रूम टूर दे दूँ। चलो यार ये रूम है हमारा, ये चेक करो, ये 2 बेड है, ठीक है, मतलब 5 लोग हैं हम पूरे आ जाएंगे, एक मैट्रेस साथ मिल जाएगा, और ये LCD है यहाँ पे, साथ ही कबर्ड दी है उन्होंने, ये बैठने की स्पेस है। चेक करो रूम हमारा, ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, बालकनी भी है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, अगर मैं बालकनी से बाहर आऊँ तो व्यू कुछ इस तरह का आता है यहाँ पे, ठीक है। होटल मतलब ये, अगर मैं इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, मतलब कि हमें ये जो रूम मिला है बिल्कुल ठीक है, मतलब हमारी आज रात अच्छी गुजर जाएगी। और मैं आपको इसका बता दूं, ये हमें रूम मिला है तकरीबन 7000 का। भाई नाश्ता आ गया, नाश्ता तो नहीं आया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने कहा यार लंच ही, तो ये लंच में क्या है भाई, सेवन चाड़ी कढ़ाई है। हाँ जी चाड़ी कढ़ाई, ये चाड़ी कढ़ाई है। अच्छा यार नहा के फ्रेश हो चुका हूँ मैं, गर्म पानी आ रहा था बेहतरीन, मैं कहता हूँ ये होटल जो निरान क्रीक नाम से है बेहतरीन होटल है, लाजमी आइएगा, ठीक हो गया और रिकमेंड करता हूँ मैं, मतलब इतने चार्जेस भी नहीं है इसके। तो अब जाते हैं थोड़ी देर बाहर क्योंकि सुबह हमने फिर अपने नेक्स्ट सफर के लिए भी निकलना है। और ये देखें पीछे शोर किए जा रहे हैं, यही आदत है शोर करना, सारे रात शोर करते रहे हैं, सर खपाते रहे हैं, और जब सोने की बारी आती है तो अब सोने नहीं देते। चलो अब थोड़ी देर क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, माहौल वगैरह देखते हैं, नरान का मौसम देखते हैं, और फिर एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और आज का ब्लॉग भी बस आज थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कल इंशाल्लाह फिर सीनरीज वगैरह आएंगी, मतलब कल मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये इस साइड पे ये नरान बाज़ार है, ठीक है ना, हम नरान बाज़ार के अपोजिट साइड पे हैं। तो ये अभी मौसम इस तरह का, अभी ज़रा ठंड लग रही है, मैंने तो क्या कहते हैं हाँ बाजू पहनी है, तो मुझे इतनी फ़िलहाल ठंड नहीं महसूस हो रही, जब होगी तो फिर हम बाइक चले जाएंगे। तो ये आगे जा रहे हैं, शान पीछे आ रहा है खूबसूरत सीनरी के साथ। अभी तो यार इधर खूबसूरत इतनी है नहीं, वो देखो अगर सूरज पड़ रहा है ना वहाँ पे, तो वो देखो अगर सूरज वहाँ पे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सीन है भाई नरान का, अभी देखते हैं क्या करना है। अच्छा यार कल तो मैं भूल गया, जो मेरे साथ आए हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कौन कौन आया है। सबसे पहले तो हमजा, वन एंड ओनली, ये इनाम, ये भी आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में नज़र आता रहा है, सजावल भी नज़र आता रहा है, और इसको तो आपको वैसे जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत, ये सेलेब्रिटी है। अच्छा चले, ये लोग हमारे साथ आए थे, तो बाकी ये सीन है। ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो कल स्टार्ट होगा सुबह, तो उसके साथ फिर क्या कहते हैं जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा।